देश की सरकारें यह महिलाओं को सुरक्षित के पुख्ता प्रबंधों को लेकर बड़े बड़े दावे करती दिखाई देती है, लेकिन इन दावों के उल्ट गुंडा अंसरों से महिलाओं को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जिला गुरदासपुर के बटाला में, जहां एक विवाहिता महिला अपनी इज्जत बचाने के लिए गुंडों से भिड़ गई और शोर मचाने पर लोगों ने भी महिला का साथ देते गुंडा अंसरों की धुनाई की और उनके बाद के मुँह पर गोबर लेप दिया। इस सारे मामले के मौके पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए गाड़ी में दोनों गुंडा अंसरों को पकड़कर केस दर्ज कर सिलाखों के पीछे धकेल दिया है। इलाके में वह बहादुर महिला अपनी बहादुरी को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। मैं रोज रोजाना अपने बच्चे नू स्कूल छड़न जानी है, लैन भी जानी है। पिछले कुछ दिनों तो एक गड्डी लगातार मेरा पीछा करती हुई मेरे मगर घूमती रही है। ते रोज उन्होंने कोई ना कोई शरारत, उच्ची गाने लगाने, अश्लील गाने लगाने, ऐ हरकतां रोज ही वो करते सी। कल ऐ सब दी हदों वध काम हो गया, इस करके मैं उन्होंने मैनू हथों फड़न की कोशिश की, फड़ के अपनी गड्डी च पाउन की कोशिश की। इस करके जिन्ना मैं रौला पाया, मेरे आस पड़ोस दे जिन्ने उत्थे लोग मौजूद सी, भीड़ मौजूद सी, वह सब ने मिलकर उन्होंने चंगा कुटिया। ये दोनों जिहड़े लड़के आ, एक शाइना नाम की लड़की नूं तीन चार दिन तो अपने बेटे नूं स्कूल छड्डन जा रही सी, ते तीन चार दिन तो उन्हें तंग परेशान करते सीगे। अज भी इन्होंने अपनी कार जिहड़ी स्कूटी दे अगे लगा के उन्हें रोके तो उहदे नाल अश्लील हरकतां करनियां शुरू कर दित्तियां। फिर उस तो बाद उन्हें अपने घरदिआं नूं बुलाया तो उहदे जदों घरदे आए तो मौके तो भज्जण च भज गए अपनी कार लैके, तो बार बार उत्थे हाथी गेट दे कोल जाके फिर इन्हां नूं काबू कीता लोगों ने, काबू करके फिर सानू सूचित किया, तो उस तो बाद फिर इन्हें गिरफ्तार करके इन्हें मुकदमा दर्ज किया गया। बटाला से सुखबीर सोखी, जीवे पंजाब टीवी।